ब्लाक माछीवाड़ा दे नेड़ले पिंड बैलौलपुर विखे सत्या भारती एलीमेंट्री स्कूल वालों 75वां सुतंत्र दिवस मनाया गया, जिस विच पिंड दे सरपंच सरदार रमनदीप सिंह राय वालों तिरंगा झंडा लहराया गया। इस मौके ते ब्लाक समिति माछीवाड़ा दी साबका चेयरपर्सन सिमरजीत कौर ढिल्लों चेचे तौर ते पहुंचे ते समूह ग्राम पंचायत बैलौलपुर दे मैंबर साहिबान हाजिर सन। बच्चों वालों रंगारंग प्रोग्राम कीता गया। छोटे छोटे बच्चों ने देश भगति दे गीत गाए, नाच कीता अते अपने मनां दे विच देश भगति प्यार जगा के सांझी भाईवालता दा संदेश दिता। माछीवाड़ा तो मनोज मोगा दे नाल गुरदेव सिंह दी खास रिपोर्ट। सब तो पहला मैं 75वीं वरेगंढ मनाउण ते अपने स्कूल दे बच्चियां लई पिंड दे लई देश दे लई बहुत बहुत बधाइयां दिंदी हां भी आपां जिहड़े देश दी 75वीं वरेगंढ मना रहे हां, जिस नूं 75 साल हो गए असीं आजादी दे विच आए हां, जिस नाल साडी बहुत ज़्यादा तरक्की कीती है, बहुत सानूं अधिकार मिले ने। पहला असीं 250 साल तक अंग्रेज़ों के लगभग गुलाम रहे हैं, हुण सानूं काफ़ी आज़ादी मिली है, जिस नाल असीं की है सानूं समानता का स्वतंत्रता का हर तरह का अधिकार जिहड़े सानूं प्राप्त होए ने। सत्या भारती एलीमेंट्री स्कूल दे विच इह हर साल जिहड़ा आज़ादी दिवस गणतंत्र दिवस सारे मनाए जाते हैं, सो असीं अज जिहड़ा दिन है मना रहे हैं, बच्चों के बहुत उत्साह है। सत्या भारती स्कूल बहलोलपुर आज़ादी की 75वीं वरेगंढ मना रहे हैं, बहुत वधिया है। देश की आज़ादी मिली नूं सानूं 75 साल हो गए, बहुत कुर्बानियां कीतियां साडे भारतीयां ने तां जाके सानूं इह आज़ादी मिली, ते अस 75 सालां दे विच बहुत तरक्की कीती देश ने, स्कूल खुले, कॉलेज खुले, ते असीं अपनियां बेटियां नूं बच्चियां नूं इस कॉलेज दे विच पढ़ा के बहुत अगे लैके गए हां। ते मैं अपने वल्लों पूरी कोशिश करांगी कि जिथे भी मेरी लोड़ होएगी अपनियां धीआं भैणां नूं अगे लिजाण दी मैं हर जगह ते खड़ांगी। थैंक यू। सर, अज 75वां आज़ादी दिहाड़ा मनाया जा रहा है सत्या भारती स्कूल बहलोलपुर विखे, की कहना चाहोगे? सब तो पहले सारे देशवासियों नूं 75वें स्वतंत्रता दिवस दीआं लख लख मुबारकां जी। अज ग्राम पंचायत बहलोलपुर नूं सत्या भारती बहलोलपुर स्कूल दे विच बुलाया गया, जो झंडे की रस्म आ ग्राम पंचायत बहलोलपुर वल्लों की जानी आ। मैं स्कूल वालों का ते स्टाफ वालों का तेरों धन्नवाद करदे हां जिन्हां ने सानूं इत्थे बुला के माण बख्शिया।